लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। 70 साल की जनक पलट्टा मगिलिगन उन लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी की अहमियत जानती हैं। जनक कुछ सालों से प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के साथ साथ उन्हें बढ़ाने का भी काम कर रही हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी प्रकृति के अनेक पहलुओं का अनुभव ले सके। जनक पलट्टा ने 1985 में इंदौर, मध्य प्रदेश आकर बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान की स्थापना की थी। वे 26 साल तक इस संस्थान की डायरेक्टर रहीं। उन्होंने सामाजिक रूप से पिछड़े 500 गांवों की करीब 6000 ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया। इसके बाद उन्होंने आयरिश मूल के जेम्स मगिलिगन से शादी की। इसके बाद से जनक पलट्टा ने दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए जीना शुरू कर दिया। जनक पलट्टा का कहना है कि उनके पति ने मध्य प्रदेश का पहला सोलर किचन बनाया था। उन्हें इंग्लैंड की महारानी ने भारत में काम करने भेजा था। हालांकि एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, लेकिन जनक पलट्टा अपनी जिंदगी वैसे ही जीती रही जैसा इन दोनों ने सपना देखा था। जनक वेस्ट फ्री लाइफ जीती हैं और प्लास्टिक का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती हैं। उनके सवांदडिया गांव में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से बिजली आती है। वहां सब्जियां और फल भी जैविक तरीके से उगाए जाते हैं। सर्दियों के दिनों में अखबार से ब्रिकेट्स बनाकर रात में रोशनी की जाती है। पद्मश्री जनक का कहना है कि उन्होंने जीवन में जो भी हासिल किया है अपने निर्णयों की वजह से किया है। वो कभी कॉलेज नहीं गई, लेकिन उन्होंने राजनीतिक शास्त्र में M.Phil के साथ राजनीतिक विज्ञान और इंग्लिश में M.A के साथ ही सितार में संगीत विशारद भी किया है। पुरुषों को सशक्त बनाने के लिए हर साल 8 मार्च के दिन महिला दिवस पर उन्हें कुकिंग सिखाई जाती है। जनक का मानना है कि जब पुरुष और महिला दोनों पंख समान रूप से ताकतवर होंगे, तभी इंसानियत की चिड़िया ज्यादा ऊंचा उड़ पाएगी।